लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना बनेगा बड़ा मुद्दा। कैसे निपटेंगे नीतीश की चुनौती से पीएम मोदी। आबादी के अनुपात में आरक्षण की होगी मांग। बिहार सरकार ने लंबे इंतजार के बाद जातिवार जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व की बहस फिर से तेज हो गई है। एक बात तो तय है कि इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़े न पड़े, लेकिन चुनाव प्रचार में अहम मुद्दा बनने वाला है। सपा, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे और अब इसका दबाव भी केंद्र सरकार पर पड़ेगा। महिला आरक्षण के मुद्दे पर तमाम विपक्षी दलों ने कोटा के अंदर कोटा बनाने की मांग की थी। ऐसे में जातीय जनगणना ऐसा शब्द है जो बार बार राजनीतिक मंचों से उछाला जाएगा। जाति जनगणना रिपोर्ट जारी होने के साथ ही जाति आधारित राजनीति की हवा फिर से तेज हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो ने आंकड़े जारी होते ही कह दिया है कि जनसंख्या के मुताबिक जनप्रतिनिधित्व लाने का सही समय आ गया है। देश भर में विपक्षी गठबंधन की गोलबंदी के लिहाज से भी नीतीश कुमार ने लीड रोल बना ली है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि पीएम मोदी और बीजेपी इसका क्या कार्ड खोजते हैं और लोकसभा 2024 के लिहाज से क्या रणनीति अपनाते हैं। आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग दलित और ओबीसी नेता लंबे समय से कर रहे हैं। अब बिहार में आंकड़े जारी होते ही इस मांग को और प्रबल आधार भी मिल गया है। अगर बिहार में जारी हुए आंकड़े की बात करें तो प्रदेश में सवर्ण आबादी 15% और ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी 63% है। अब ऐसे में जनसंख्या के मुताबिक आरक्षण बढ़ाने की मांग भी बढ़ सकती है। जनसंख्या के लिहाज से यही बड़ा वोट बैंक भी है। इसकी कार्ड खोजना बीजेपी के लिए खासा परेशान करने वाला हो सकता है। जाति जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद बीजेपी ने काफी नपातुला बयान दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने हमेशा सर्वे का समर्थन किया है, लेकिन सरकार द्वारा जारी आंकड़े अधूरे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि बीजेपी और केंद्र सरकार 2024 के चुनाव के लिए ओबीसी वोट बैंक को देखते हुए अपना क्या स्टैंड रखती है। दरअसल जो भी हो, लेकिन विपक्षी दलों को लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। ऐसे में आपके मन में एक सवाल तो जरूर होगा कि आखिर जातीय जनगणना होता क्या है। दरअसल यह जातियों की गिनती है जो कि प्रदेश में मौजूद है। आपको बता दें कि बिहार में पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.13% है, सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है। इसके अनुसार बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ से भी ज्यादा है। जातीय जनगणना के अनुसार ब्राह्मण 3.65% है, राजपूत 3.4% है, कायस्थ 0.6% है, कुर्मी 2.87% है, कुशवाहा 4.21% है, तो तेली 2.81% है, भूमिहार 2.896% है। मुस्लिमों की जनसंख्या 17.7% है और यादवों की जनसंख्या 14% के आसपास है। वोटों के हिसाब से ही बिहार में एमओआई समीकरण कायम रहा है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि एमओआई समीकरण के दम पर ही लालू यादव बिहार में लंबे समय तक चुनावी राजनीति में कामयाब रहे और बिहार में लालू यादव का राज कायम रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।